बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमजा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अमीर हमजा। जैसे कि आप जानते हैं MTH 100 का आज क्विज़ है और काफ़ी स्टूडेंट्स मैसेजेस भी कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें कहाँ से क्विज़ आ रहा है, और MCQs के रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ कि आप लोग क्विज़ कैसे करें। ठीक है, उससे पहले आप लोग से एक ही एक इंपॉर्टेंट बात करता चलूँ। जो भी स्टूडेंट्स जॉब होल्डर्स हैं जिनकी तैयारी नहीं है जॉब की वजह से, या वो किसी वजह से तैयारी नहीं कर सके, तो आप लोग अगर पेड क्विज़ की तरफ आना चाहते हैं तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना नंबर भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वहाँ पे भी हेल्प मिल जाएगी। और अब बाकी जो आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स हैं वो बाकी ख़ुद से करें क्विज़। ठीक है, और इंशाल्लाह कोई मसला आप लोगों को नहीं होगा। 30 नंबर का क्विज़ होगा आप लोगों का। ठीक है, और जो टाइम है वो आप लोगों का आज रात 9 बजे तक का है। अभी काफ़ी टाइम है, अभी एक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों का एक चैप्टर आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को आ रही हैं क्विज़ में। और बाकी यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज़ में से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्विज़ में आ रही हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके जो फार्मूले हैं ये लाजमी देख लीजिएगा, यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, ये वाले फार्मूले आप लोगों ने देखने हैं, और ये वाली चीज़ें जो है ना आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है ये मिड पॉइंट, स्लोप और डिस्टेंस, तीन चीज़ें हैं। तो बेटा आप लोगों ने ये तीन चीज़ें बहुत अच्छी तरह से देख लेनी है। ठीक है, ये और ये तीनों जो हैं इनमें से क्वेश्चंस आएंगे और आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, कॉस, टेन, ये सारी चीज़ें जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोगों का मिड टर्म का सिलेबस कितना है, तो उस लिहाज से आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई हो। बाकी आप लोग अच्छी तरह से क्विज़ करो, और जिनको को परेशानी है जो तैयारी नहीं कर सके तो वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला होप सो, और दुआ करता हूँ कि आपका क्विज़ बहुत अच्छा हो जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।